अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए कि रफाल में कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है, कोई घपला नहीं है। उसके बाद ही राहुल जी, आपने जो माहौल बनाया हुआ है मीडिया के साथ में, मतलब आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2G के कोलिड के लाइसेंस कैंसिल किए थे, उसके बाद भी मीडिया बताती है कि यार सोनिया मनमोहन क्लीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रफाल में कोई भी घपला नहीं है, उसके बाद भी मोदी चोर है। तो आपकी मीडिया मैनेजमेंट, और बड़े क्यूट क्यूट सवाल पूछे हैं आपने कि भैया सिर्फ 36 प्लेन्स क्यों खरीदे, 126 क्यों नहीं खरीदे। पहली बात तो 126 नहीं, IAF को 250 प्लेन्स की जरूरत थी। 250 क्यों हुआ क्या राहुल जी, कि 1963 से 2013 तक 1200 मिग खरीदे, उसमें से 840 क्रैश हो गए, 170 पायलट मरे, तो जरूरत थी प्लेन्स की। 2014 में एक एंटनी बोलते हैं कि यार हम पे पैसे ही नहीं रफाल खरीदने के लिए, और कैसे होता। 2010 में मम्मी के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के चॉपर जो खरीदने थे 3600 करोड़ के, उसमें 5 रफाल आ जाते हैं आपके। पर वो ये ना कि मम्मी को उड़ना ज्यादा जरूरी है। IAF के पायलट्स मरे, 62 पायलट मरे आपके टेन्योर में। अब याद आ रही है आपको नेशनल सिक्योरिटी? और ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि सिर्फ 36 प्लेन्स खरीदे, 126 क्यों नहीं? अगर कम प्लेन खरीदना गलत है तो आपने तो 0 खरीदे, तो आपने तो बहुत ही बड़ी गलती करी फिर राहुल जी। कम प्लेन खरीदना स्कैम नहीं होता, ज्यादा खरीदना स्कैम होता है। आपको याद दिलाऊं, नवंबर 2003 एयर इंडिया बोर्ड की मीट में उन्होंने बोला कि हमें 28 प्लेन चाहिए। 2004 में आपकी सरकार आई, अगस्त 2004 में प्रफुल्ल पटेल गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें 28 नहीं, 28 नहीं, 68 प्लेन्स खरीदवाएंगे। फालतू प्लेन खरीदवा दिए 40, 40,000 करोड़ का लोन लिया, डेट एयर इंडिया पे, इंटरेस्ट कॉस्ट 3500 करोड़ पर साल की, 5 रफाल आते पर साल, 10, अब तक तो 50 आ चुके थे 10 साल में। उन्हें उड़ाते IAF के लोग, ना वो मरते ना एयर इंडिया गड्ढे में जाती। तो ज्यादा खरीदना स्कैम होता है। और 126 यार आप ऑर्डर करना चाहते थे, ऐसे दिल्ली मेट्रो 400 किलोमीटर चाहिए, फेज उन्होंने 65 किलोमीटर बनाई, फेज टू में बाकी 100, तो फर्स्ट फेज में 36 प्लेन्स आ गए, बाकी बाद में आ जाएंगे। आपने तो 0 खरीदे। फिर आप बोलते हो कि यार रफाल जो है वो हेल से क्यों नहीं बनवा रहे हो। अरे 2012 में जो डील थी डसॉल्ट के साथ, इसी बात पर टूटी आपकी। आपने कहा रफाल हेल बनाएगा, पर उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी डसॉल्ट लेगा। डसॉल्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया प्लेन अगर हेल बना रहा है तो हम जिम्मेदारी कैसे ले लें। हेल का आप देखो कि Sukhoi-30 MKI जो थे, 18 प्लेन्स उसके जो थे, उसमें सेकेंड हैंड इंजन लगा दिए, वो क्रैश हो रहे हैं। तो ऐसी रेपुटेशन के साथ डसॉल्ट कैसे जिम्मेदारी ले, सरकारी काम चल रहे हैं। तो और आप रफाल के ऑर्डर हेल को तब दो जब वो प्रेजेंट ऑर्डर बुक पूरी कर पा रहा हो। 20 तेजस के ऑर्डर हैं, 10 दे पाए हैं। मैं नहीं बोल रहा, आपके खड़गे जी ने बोला, आपकी पार्टी के पार्लियामेंट में 61 जैगवार जेट जो हैं उनका अपग्रेड 6 साल डीले हो गया। सुखोई जो है 25 वो पेंडिंग है। तो आगे बोझ तो तब लो, ऑर्डर तो तब लो जो पहले वाले पूरे हो जाएं आपसे। और ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भाई अभी आप कह रहे हो अनिल अंबानी को कैसे दे दिया 850 करोड़ की ऑफसेट। आपने दिए थे दिल्ली मेट्रो को, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का काम रिलायंस को 5000 करोड़ का, तब याद नहीं है आपको DMRC की। बॉम्बे मेट्रो आपकी जो थी अंधेरी से घाट को पर, 4500 करोड़ का, 69% रिलायंस इंफ्रा का स्टेक था, तब भूल गए थे आप MMRDA को। ये दिल्ली से आगरा का जो एक्सप्रेस वे आपका 6 लेन, ये दिया आपने, तब याद नहीं है NHAI की। आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दो तो वो तो यार PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मोदी ने ऑफसेट में 850 करोड़ का काम उसको दे दिया तो वो स्कैम हो गया। और आपके लॉजिक से अगर 850 करोड़ का काम ऑफसेट डील अनिल अंबानी को देनी, मतलब वो पूरा पैसा उसी की जेब में डाल दिया, तो आपके राज में तो 20-30 हजार करोड़ के काम अनिल अंबानी को मिले। तो सोनिया जी ने पूरा पैसा उसी की जेब में डाल दिया क्या?
और ये तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सारे लोन मिले अनिल अंबानी को, रिलायंस नेवल पे आपका 9,000 करोड़ का लोन किसकी सरकार में मिला, रिलायंस इंफ्रा पे 11,000 करोड़ का लोन सब पीएसयू बैंक्स ने दिए किसकी सरकार में, रिलायंस कॉम पे 12,000 करोड़ प्लस का किसकी सरकार में। ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो प्राइवेट काम नहीं कर सकती। मतलब सोनिया जी तो घूमे हैं रिलायंस के प्राइवेट जेट्स में, अगस्ता के प्राइवेट चॉपर में, और आईएफ के जवान चले हेल के बने हुए एयरक्राफ्ट में। दिल्ली में है राजीव गांधी कैंसर मेमोरियल इंस्टीट्यूट, तो क्यों जाते हो आप लोग विदेश इलाज कराने के लिए? राजीव जी पढ़े दून स्कूल में, बाकी बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में। आपको अपने लिए तो सब कुछ प्राइवेट चाहिए, दुनिया सरकारी पे चले। मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है कि यार पब्लिक सेक्टर, दिस रीक्स ऑफ कम्युनिज्म। मुझे याद है किस्सा, चाचा नेहरू गए थे जीआरडी टाटा के पास, टाटा एयरलाइंस थी उस समय, और नेहरू जी बोले जीआरडी प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। उन्होंने नेशनलाइज कर दी टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया बना दिया उसको, आज गड्ढे में एयर इंडिया। वो ना सोच कम्युनिस्ट है कि सारे बिजनेसमैन चोर हैं। सो यू पीपल लव मनी, यू जस्ट हेट अर्निंग इट। आपका जीवन तो चंदे पे चल रहा है, तो आपको धंधे से दिक्कत है? जो धंधा करते हैं वो चोर हैं, और आप संत हो सारे जो लोग। और आप कुछ भी फिगर आप मार्केट में, और ये जो फिगर्स आ रही हैं, जो कॉस्ट आप निकाल रहे हो रफाल की, ये कहां से आ रही हैं? ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था, 520 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा। 526 तो 1,000 मेरे ऑर्डर कर दो आप, 526 रुपए का एक रफाल अगर आ रहा है, अरे 1,000 रुपए तो काजू कतली हो गई है, आप 526 में रफाल खरीद रहे हो। मतलब कुछ भी आप फिगर फ्लोट करे जा रहे हो, 1600 कहां से आ रहे नंबर है 1600 करोड़। भाई पूरी जो रफाल डील हुई है 2016 में, उसकी कॉस्ट है 7.87 बिलियन यूरोज। उसमें से था कि यार डसॉल्ट ने बोला कि हम रफाल को हिंदुस्तान के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, तो उसकी कॉस्ट है 1.8 बिलियन यूरोज। फिर था कि यार हम दो मेंटेनेंस और ओवरऑल कैपेसिटीज बनाएंगे, फैसिलिटीज बनाएंगे प्लेन्स के लिए, उसकी कॉस्ट है 1.8 बिलियन यूरोज। मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी जो कि मिग्स में नहीं थी, जिस चक्कर में क्रैश वगैरह हुए। फिर वेपन्स है आपके 710 मिलियन यूरोज के। फिर आपका परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स था 280 मिलियन यूरोस का। वो इसलिए था कि डसॉल्ट विल मेक श्योर आपके 75% रफाल जो हैं वो हमेशा कॉम्बैट रेडी हैं। तो आपकी कट कटा के जो अनलोडेड रफाल की कॉस्ट आती है 36, वो आती है 3.28 बिलियन यूरोस। तो आपकी एक अनलोडेड रफाल की कॉस्ट आई 3.28 बिलियन यूरोस डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 91.1 मिलियन यूरो, जो उस समय की करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से आपकी पड़ती है 670 करोड़। आपको 2014 में आप बोल रहे हो कि हमें ऑफर था 120 मिलियन डॉलर्स का रफाल का, जो पड़ता है 746 करोड़ का। तो आप मुझे बताओ कि 670 करोड़ में जो खरीदा है रफाल वो सस्ता है, या आपके पे जो ऑफर था 746 वाला वो सस्ता है? और आप अगर कह रहे हो कि 746 इज लेस देन, इज चीपर देन 670, तो यार हमें मैथ्स वापस से पढ़नी पड़ेगी। मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि नेहरू जी ने देश में IIT बनवाए, यहां पढ़ के लोग गूगल के CEO बन गए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन गए, और उनके खुद के परिवार के बच्चे उनको बेसिक यूनिटरी मेथड नहीं समझ आ रहा, बेसिक घटा जोड़ में उन कांप रहे हैं। और आप कुछ भी फिगर फ्लोट कर दो, आप 700 बोल दो, 800 बोल दो, 1600 बोल दो, मीडिया क्वेश्चन नहीं करेगी, बिकॉज उनके मुंह में तो आपने हड्डी डाली हुई है पद्मश्री की, बरखा को, राजदीप को, विनोद दुआ को 2008 में, शेखर गुप्ता के मुंह में तो आपने बोनलेस ही डाल दिया, पद्म भूषण ही दे दिया उसको, तो मीडिया तो क्वेश्चन नहीं करेगी आपको। पर देखो राहुल जी, मैं मानता हूं कि मोदी ने गलती तो करी है। आप देखो, पहले बोफोर्स हुआ, उसमें मिडिलमैन था क्वातराची, लोग कहते हैं आप उसकी गोद में खेले बचपन में। अगस्ता वेस्टलैंड हुआ, उसमें क्रिश्चियन माइकल है,
उसने 61 करोड़ खिलाए हुए हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को मैनेज करने के लिए। पर रफाल पहली डील हुई जिसमें कोई मिडिल मैन ही नहीं है, तो आपकी कुंठा जायज है। तो मोदी ने गलती तो करी है भाई, जब रफाल खरीदे तो आपकी माता जी के चरणों में जाते, नारियल फोड़ते, उनको जो रेस्पेक्ट पे करनी थी वो करते। क्वात्राची ने आपको गोद में खिलाया, तो डसॉल्ट के सीईओ को बोलते कि आपको एक दिन गोद में खिलाए। तो जो डिफेंस डील्स की हिंदुस्तान में परंपरा थी, मोदी को वो रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए थे, नहीं करे, गलती है, पर स्कैम नहीं है। पर आपका मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा है, आप जो चाहे बिलीव करा दो देश को। पर फिर भी आपको लगता है कि 36 प्लेन्स क्यों, 126 क्यों नहीं, तो और प्लेन्स खरीद सकते हैं राहुल जी। मैं तरीका बताता हूँ, आपकी पार्टी के एमपी रहे लगड़पत्ती राजागोपाल विजयवाड़ा से, उनकी कंपनी थी लैनको, उस पर 44,000 करोड़ का बैंक का कर्जा है, एनपी हो चुका है, आप उनसे वो निकलवा लो, आपकी पार्टी गई है, 30 रफाल और आ जाएंगे उतने पैसे में। भाई 36 के 66 तो पहुंचे हैं अपन, करो शुरुआत।